सब पढ़ने जाते हो कि नहीं? पढ़ने जाते हैं। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवां में। क्या करोगे पढ़ के? पढ़ के पढ़ाई नहीं होता है ठीक से। पढ़ाई नहीं होता है ठीक से। कौन स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में। स्कूल का क्या नाम है? नाम नहीं पता है। स्कूल का नाम ही नहीं मालूम है? सातवां में पढ़ता है, स्कूल का नाम मालूम है? एक देखिए, ये सीबीएसई वाला है। तुमको क्या नाम है बुगा? आदित्य कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? वन क्लास में। आई देखो, सातवां में पढ़ता है, तुम वन में हो। स्कूल का क्या नाम है? जीवन ज्योति राशि टंडल पब्लिक। देखिए देखिए, यही है, यही सरकारी। और क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? पढ़ लिख करके हम चाहते हैं कमाने के लिए, बस कमाने के लिए। हाँ। कितना कमाने के लिए? घर बस जाए। हाँ। खाना पीना चल जाए बस। हाँ। इतना हेड मास्टर है। हाँ। छोटा मास्टर है। हाँ। मास्टर चोर है। हाँ, क्या कह रहा था, काफी नहीं देते हैं? देखिए, पैसा मिलता है तो पचा लेते हैं, फिर से स्कूली ड्रेस पचा लेते हैं, फिर से कॉपी किताब नहीं देते नहीं रहा। हाँ। आज कोई स्वेटर मिल रहा है तो कोई सूता है। अभी हम चंपारण में है, और चंपारण में ये कुछ कुछ लड़के हैं जो नदी में कूद कूद के नहा रहा था। ये नदी जो है कौन नदी है बुआ? तीरी नदी। तो तुम सब पढ़ने जाते हो? तियरी नदी है, तियरी नदी है। तुम सब पढ़ने जाते हो कि नहीं? पढ़ने जाते हैं। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवां में। क्या करोगे पढ़ के? पढ़ के पढ़ाई नहीं होता है ठीक से। पढ़ाई नहीं होता है ठीक से। कौन स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में। स्कूल का क्या नाम है? नाम नहीं पता है। स्कूल का नाम ही नहीं मालूम है? सातवां में पढ़ता है, स्कूल का नाम मालूम है? एक देखिए, ये सीबीएसई वाला है। तुमको क्या नाम है बुगा? आदित्य कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? वन क्लास में। आई देखो, सातवां में पढ़ता है, तुम वन में हो। स्कूल का क्या नाम है? जीवन ज्योति राशि टंडल पब्लिक। देखिए देखिए, यही है, यही सरकारी और प्राइवेट में फर्क है। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कमाते हैं बाहर। देखिए, यही फर्क है। इसके पापा जो है बाहर कमाते हैं, बाहर के कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते होंगे। इसके पिताजी हैं जो बिजनेसमैन है। तो बिहार की यही स्थिति है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है कि नरक में गया हुआ है। सरकारी स्कूल के मास्टर के बेटा पढ़ेगा प्राइवेट में, प्राइवेट स्कूल के टीचर के बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में। यही स्थिति है बिहार की और बिहार के शिक्षा व्यवस्था है। ये छोटा बच्चा है, ये वर्ल्ड क्लास में पढ़ता है, और ये इसके अपने स्कूल के बारे में पता है। ये सातवां क्लास में पढ़ता है और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन फिर भी इसको मालूम नहीं है कि हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। यही है शिक्षा व्यवस्था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये बच्चा लोग है, हमको मिल गया अभी यहाँ पर। तुम सब यहाँ कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम पहला में। स्कूल के नाम भागो मत। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल के नाम कोई के भी नहीं पता है। तुरो नहीं पता है? नहीं। तुमको क्या नाम है? सोनू। कौन से क्लास में पढ़ते हो सोनू? हम सातवां में। तुम भी सातवां में पढ़ता है जी। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है नहीं पता है? पता है सर। क्या नाम है? ये क्लास के वो सरकारी स्कूल है। हाँ, तो नामवा बताया ना स्कूलवा के? नामवा भोर पर है। स्कूलवा के नामवा बताओ ना। वो भोर पर आ गए अभी। जोर से बोलो। नहीं याद है। देखिए, स्कूल का नाम नहीं पता है। ये स्थिति है हमारे शिक्षा व्यवस्था के। ये सब बचपन के दोस्त नहीं है, ये यहाँ के सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था के दोष है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं है, इसको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, और तुम क्या चीज पढ़ रहे हो सातवां में। हाँ, और अच्छा, कि स्कूल में रुपया आता है तो मास्टर लोग पचा लेते हैं। और तरीके देखिए, पोल खोल रहा है लड़का, और तुम तो बताया नहीं कि कौन स्कूल में है। बता देता तब ना मालूम चलता कि कौन स्कूल। ट्यूशन पर है वो स्कूल। ट्यूशन पर स्टेशन पर जी। हेड मास्टर है, छोटा मास्टर है, मास्टर चोर है। क्या कह रहा था, काफी नहीं देते हैं? देखिए, पैसा मिलता है तो पचा लेते हैं, फिर से स्कूली ड्रेस पचा लेते हैं, फिर से कॉपी किताब नहीं देते हैं। हाँ। उसके बाद में खाना खिलाते हैं, तो भर पेट नहीं खिलाते हैं। खाना बनाती है सब लोग, वो ले जाती है घर पे, हम लोगों को नहीं खिलाती है भर पेट। हाँ, सब लेके चल जाती है घर। हाँ। और अंडा उंडा ये सब मिलता है? अंडा मिलता है एक को। रोज मिलता है? सुख का सुख मिलता है। पढ़ाई होता है कि नहीं? पढ़ाई ठीक से नहीं होता है। कोई फोन से बतवा जाए, कोई कहता है देखिए हम लोग बच्चों सबको पढ़ा रहे हैं। हाँ, फोन में पर बतियाता है तो? हाँ। अच्छा,
कोनवा में बतिया दे, देखिए हम बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं और लेकिन बच्चा लोग पढ़िए नहीं रहा। हाँ। कोई स्वेटर बिन रहा है तो कोई सूता है। अच्छा मैडम लोग मास्टर लोग से बतियाली की ना बतियाली बतियाती है बतियाती है पढ़ाती नहीं है। नहीं। चलो तुम्हारे विद्यालय में आता, अभी स्कूल खुला है कि बंद है? नहीं बंद है, दशहरा के लिए छुट्टी। चल दशहरा के बाद तुम्हारे स्कूल में हम आते हैं। और पूछने दीजिए अभी, और अपने स्कूल का पोल खोल रहा है, इस स्कूल के बारे में मालूम है कौन से स्कूल का है? मीटिंग वीटिंग है कि नहीं स्कूल में? अच्छा स्कूल में पेशाब उशाब करने जाने के लिए है कि नहीं? एक ही शिफ्टी है, एक ही को बनल है। ताला मारा रहता है कि खुला रहता है? खुलता रहता है तो उसमें लड़की से जाती है, हम लोग लड़के से बाहर पेशाब करते हैं। अच्छा पैखाना लगे तो? पैखाना लगे तो पाठ में कर लीजिए। वो क्या नाम है जी? दीपक कुमार। दीपक कुमार झूठ बोल रहा है, कैसी सही बोल रहा है? सही बोल रहा है, उसमें लड़का सबके जाना ही नहीं देता है। कहाँ घर है तुम्हारा? चिरान चौक छोड़ो नार। पापा का नाम क्या है? धर्मिंदर शर्मा। जानता है तुम? हाँ जानते हैं। कौन है? मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हैं, हमको जानता है। हाँ अच्छा अच्छा ये बताओ तुम्हारे स्कूल में सच्चे में पढ़ाई नहीं होता है? सही में पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन तुम क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? पढ़ लिख करके हम चाहते हैं कमाने के लिए, बस कमाने के लिए। हाँ। कितना कमाने के लिए? घर बस जाए। हाँ। खाना पीना चल जाए, बस इतना। घर घर बसा के और शादी वादी वादी सब रुके हमको ससुर बोलने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब रहा है, खड़ा रहिए ना। अच्छा घर बसाना चाह रहे हो? बसेगा घर कमाने से? बसेगा कमाने से? तो पढ़वे नहीं करेगा बढ़िया से तो कैसे कमाएगा? तो वही ना बात है सरकारी स्कूल का। हाँ। मास्टर ठीक से पढ़ाई नहीं देगा, सरकार पूरा रुपए भेजिए रहा है कि बच्चों सबको ठीक से पढ़ा। घूम के बोले से वहाँ देख के। हाँ। सरकार रुपए दे रहा है तो मास्टर सब घपेला मार रहा है। उसके बाद में अथी जो होता है न स्कूल के नीचे बैठाया जाता है, बोरा पे बैठाया नहीं है, बोरा पे बैठाया जाता है। बेंच नहीं है? नहीं है। बोर्ड बोर्ड पढ़ाने के लिए अथी का है, दीवाले पे है बोर्ड। अच्छा दीवाल में बोर्ड लगा हुआ है, बेंच नहीं बैठने के। बोरा पे बैठते है, अपना से बाहर के बैठो। अच्छा ठीक है, विद्यार्थी का जीवन ही है बाहर के बैठो। तो तुम्हारा सपना क्या है? हमारा सपना है यही, क्या घर बसाना। घर बसा के क्या करोगे? शादी उदी करे कि नहीं? अरे बोलो, बोल रहे हो, बोलो ना। शादी करेंगे? हाँ। तो नहीं पढ़ेगा तो कौन ब्याह करेगा? पढ़ाई होगा तो वही नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे? लेकिन तू पढ़ना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है। तुम्हारे स्कूल का नाम अभी फिर से देखो, याद करो कुछ नाम है इसका, स्कूल का क्या नाम है? राजकीय मध्य विद्यालय है ना तुम्हारा विद्यालय का नाम? राजकीय मध्य विद्यालय कहाँ? बैजनाथपुर में पढ़ता है विद्यालय। इसके इसके पापा आ गए, देखिए ये सीबीएसई में पढ़ता है। कौन है ये? कौन है ये? देखिए छोटा बच्चा है, सीबीएसई में पढ़ता है, ये सातवां में पढ़ता है, बेचारा के ये इतना समस्या है। पापा बना दे जरा, हो ये समस्या है इसका। अभी अभी तुम्हारे स्कूल में चलेंगे हम लोग, ठीक है? सातवां में। पापा का नाम क्या है? धर्मेंद्र शर्मा। देखिए ये लड़का है सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सातवां में पढ़ता है, लेकिन सरकारी बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था खराब इतना है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। ये खुद बोल रहा है कि मैडम आती है तो सूटर बीनते रहती हैं, और मास्टर साहब आते हैं तो फोन पर लगे रहते हैं, बतियाते रहते हैं, आते हैं सो जाते हैं। सही है? सही है, सही है, सही है। हाँ सही है, सो जाते हैं। हाँ सो जाते हैं। पढ़ाते नहीं है? नहीं पढ़ाते, ठीक से कभी भी नहीं पढ़ाते हैं। देख के बोलो, कभी भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा का तो तुम बोलना कि हमारा क्या समझ रखे हैं बिहार, बिहार में हमको पढ़ाइए कि हमारा जिंदगी बर्बाद कीजिएगा, बोला ऐसे कभी? वो सब मारने लगते हैं, हम लोग कहते हैं मैम कि चलिए ना पढ़ान, तो कहते हैं जाओ, जा रहे हैं सर, नहीं जाते हैं। देखिए ये स्थिति है बिहार के सरकारी स्कूल की। ये छोटा बच्चा है, नाम क्या हुआ छोटू? दीपक कुमार। दीपक कुमार, ये दीपक कुमार है, और दुर्भाग्य यही है कि ये बिहार में पैदा हुआ है और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। दुर्भाग्य ये है कि ये लड़का जो है गरीब परिवार में पैदा हुआ है, अगर यही अमीर के बाल बच्चा होता तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता और ये अपने सपने को पूरा करता, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था यही है कि वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि ये बच्चा अगर पढ़ाई हो रहा होता तो ये पोल नहीं खोल रहा होता। और तुम भी तो हो सकता है कि पढ़ना नहीं चाहते होगे? पढ़ना चाहते हैं, नहीं वो पढ़ाता है, पढ़ाएगा तो वही पढ़ेंगे हम लोग। देखिए बहुत भावुक हो गया है लड़का, तो फिलहाल के दिन भर स्कूल में बैठा रहता है। हाँ
बोर्ड पर दे देता है, कहता है पढ़ो। बोर्ड पर दे देता है, बोलता है अपने से पढ़ो। हाँ देखिए छोटा छोटा लिख लेता है तो कहता है मान के बदलाने जाता है तो कहता है याद करो, तो याद भी कर लेता है तो फिर से रटो। फिर से रटो हाँ। वही एक चीज बा हाँ। अच्छा अच्छा भारत की राजधानी कहाँ है? पहला में रुपया नहीं दिया जाता है हाँ। छठा में हाँ। छठा से लेकर हाँ। आठवां तक रुपया मिलता है, उसके बाद में उसके बाद के क्लास को नहीं मिलता है। उसके बाद के क्लास को पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। पांचवा हाँ। तीसरा हाँ। चौथा हाँ। फिर से दूसरा हाँ। पहला इस सब के रुपया नहीं मिलता है। तुमको मिला है कि नहीं? एको बार नहीं मिला है, जब से पढ़ रहा हूँ एको बार नहीं मिला है। एको बार छात्रवृत्ति नहीं मिला है? नहीं मिला है। कुछो का पैसा नहीं मिला है? कुछो का, खाली एक बार किताब मिला है बस। बस तो किताब पढ़ो, किताबें पढ़ के तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किताब बहुत दिनों की, आप पहले में कहे किताब हाँ। सातवां वाला किताब नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो सातवां वाला खरीद लो, रुपया रहेगा तो वही खरीदेंगे। अच्छा रुपया नहीं है? नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, पापा इसे मजदूरी करते हैं ना हाँ। देखिए यही व्यवस्था है हमारे बिहार की, और ये लड़का बेचारा बहुत भावुक हो गया है। ये जब हम जैसे ही हमको देखा उसमें से ही बताने लगा कि ऐसा ऐसा हमारे स्कूल की स्थिति है। ये लड़का चाहता है कि हम पढ़े, पढ़ करके हम कुछ बने और अपने घर बसाए, है ना हाँ, सही है। लेकिन क्या करे, दुर्भाग्य यही है, छोटा बच्चा है, ये लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर से नहीं लड़ रहा है, ये अपने समाज से भी लड़ रहा है, और साथ ही साथ अपने जो सिस्टम है बिहार के सिस्टम व्यवस्था से भी ये लड़ रहा है। तो जुझता हुआ एक लड़का बिहार के मोतिहारी जिला के कौन जगह है, छौरा दानो प्रखंड के छौरा जगह से, दीपक कुमार। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर इसके मास्टर साहब देख रहे हैं तो सोच लीजिए, अगर इस बच्चा को अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ तो अगली बार हम स्कूल में आएंगे और स्कूल में आकर के आपका पोल खोलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ छौरा दानो प्रखंड के छौरा दानो से। नमस्कार, जय हिंद। ये छोटा छोटा बच्चा जो है पोल खोल रहा है स्कूल का। जय हिंद।